कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी जी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक आए जय और आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खाला है और ये मदर है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए आ जाए आप बैठे। और आप ठीक ठाक से सही से आ गई, मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज आप मेरे घर आई हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। आपको कब से कुकिंग का शौक है? मैं ना बहुत अर्ली कुकिंग का मुझे बहुत शुरू से शौक था। मैट्रिक के बाद से मैंने घर में कुकिंग शुरू कर दी थी और मास्टर्स के बाद से भी प्रॉपर इसको एक थोड़ा सा मैं करती भी हूँ, होम कुक फ्रोजन फूड का भी और कुकिंग का भी। वैसे बेसिकली मैं लेक्चरार हूँ जी जी, मैं लेक्चरार हूँ साइकोलॉजी की और ये मेरा शौक है कुकिंग का बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर जब से FNF ज्वाइन किया, आप जानती होंगी सर खुरम को, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि चीज़ों को डिकोर कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है और इतने होते हैं हमारे ये आपका जो ग्रुप है इसकी वजह से बहुत आप लोगों जी बहुत ग्रूमिंग हुई है। घर हम तो घरों में रहते थे, फिर वो हमें तो कोई जानता नहीं था, लेकिन सर की वजह से इस ग्रुप की वजह से लोगों को हमें जानने लगे हैं और इतनी ज़्यादा चेंज आई है हमारी प्रेजेंटेशन में और कुकिंग स्किल्स में। और मसाला टीवी देखती जी, मसाला टीवी देखती हूँ और आपके प्रोग्राम की बहुत बड़ी फैन हूँ और शौक से देखती हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं घर आ रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं अपने घर वालों से आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये मेरी मदर है, ये मेरी मदर है और ये मेरी खाला है। आपके साथ रहती हैं? जी जी जी, मेरे साथ हैं जी, मेरे साथ रहती हूँ। और मेरी खाला है। कितने भाई बहन हैं आपको? मैं एक ही बहन हूँ और दो भाई हैं मेरे। अच्छा, हाँ जी, मैं छोटी सी फैमिली। हाँ जी जी, बेटा है मेरा एक माशाल्लाह A-levels कर रहा है इस टाइम, वो यूनिवर्सिटी में है। हाँ जी, अब बस छोटी सी फैमिली है हमारी। हाँ जी, इनके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई थी कि शादी के 7 महीने 7 months के बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। इट्स रियली सैड। और ये एक बहुत खूबी की बात है कि इन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजारी अपने बेटे के लिए अकेली और उसको बड़ा किया और उसको पढ़ाई कराई और आज A-levels तक पहुंचा दिया। मतलब रियली क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह ताला का बहुत करम है। कितनी लाइफ में ट्रेजिडीज़ होती हैं और बंदा कितनी अच्छी तरह से इतनी हिम्मत से उसको लेके चलता है, ये भी आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हर। बहुत हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। आज आप क्या बना रही हैं मैगी? आज मैं चिकन हजूरे वाला बना रही हूँ। चिकन हजूरे वाला नाम थोड़ा सा उसका डिफरेंस है। मतलब जी, बस ये थोड़ा सा जो बड़ा क्रीमी टेक्सचर इसका होता है और बड़ा कह लें कि एक रिच इसका फ्लेवर होता है, इसलिए इसका नाम चिकन हजूरे वाला है। यहाँ रेस्टोरेंट्स में काफी दूरे वाला हजूरे वाला हजूरे वाला जी, और यहाँ रेस्टोरेंट्स में बड़ी पॉपुलर डिश है ये और थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, तो मैंने कहा ये मैं फिर आगे ट्राई करती हूं। तो आपने कहा खा के पेज की या सीखा? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट गई थी और मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा इसका कि किस तरह इसका फ्लेवर और टेस्ट, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सर्च भी किया, थोड़ा सा अपनी भी वो वेरिएशन के साथ। तो फिर मैंने जी इसी तरह सीखकर ट्राई करके हम जी जी बना लेते हैं जी। तो फिर ये मेरी मतलब एक है, आप समझ लें, खूबी समझ लें या शौक, जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो इस तरह बनाने की कोशिश करती हूँ। फाखरा की चीज़ें कैसी लगती हैं? फाइका की चीज़ें तो बहुत अच्छी है। फाइका इसकी खाने की कुकिंग तो बहुत अच्छी है, सारे फैमिली वाले सारे इसकी कुकिंग को पसंद करते हैं। आपको शौक है कुकिंग का? हाँ जी। नहीं, मुझे तो शौक नहीं है। तो आपको जब शौक नहीं था जी, तो आप अपनी शादी के बाद क्या करती थी? मैं शादी के बाद भी वही करती थी जो मैं पहले करती थी। शादी से पहले तो मैं पढ़ाई करती थी और मैं सोती हूँ, सुबह 11 बजे उठती हूँ। आज तक मैंने ना कभी अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया। ससुराल इतना अच्छा था जी, मैं उस वक्त कौन खाना पकाता था जी? मैं ओवरसीज में ज्यादा रही हूँ अकेली अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद, तो वो बस मेरे हस्बैंड खुद ही कर लेते थे, उन्हें पता था। और मैट्रिक के बाद से मैंने बहुत जल्दी मैट्रिक के बाद से मैंने कर लिया। अच्छा, इसलिए मुझे ज़्यादा शौक हो गया कि मैंने संभाल लिया, क्योंकि अम्मी को शौक नहीं था। और अब भी अगर मैं कुछ ये बना दूँ खाला है, मुझे सर्व भी नहीं करना होता, मैं कहती हूँ सर्व भी फाइका ही करे, या फिर सिस्टर मेरी करती है, ये बहुत ज़्यादा इसकी तरह अच्छी कुकिंग करती है और मैनेज भी कर लेती हैं जितने मर्जी गेस्ट आ जाए। आपको आपकी अपनी क्या स्पेशलिटी है? मेरी अपनी तो कोई नहीं, मुझे पहले खाना नहीं बनाना बिल्कुल नहीं आता था शादी से पहले। शादी के बाद मेरी नन थी मेरे पास, फिर उन्होंने खाना वगैरह बनाया, लेकिन उनकी शादी के बाद इन्होंने खुद ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू किया, तो माशाल्लाह। अब इस वक्त अगर लोग आपके घर आते हैं तो क्या फरमाइश करते हैं कि आपको क्या बताएं? अगर उन्होंने जो भी फरमाइश करनी है वो मैं उनकी पूरी कर देती हूँ। अगर वो मतलब स्पेशल कोई कहता है कि आलू गोश्त बहुत पसंद है, हाँ जी इनका आलू गोश्त बहुत पसंद है, या कोफ्ते वगैरह बहुत पसंद है, या बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो फिर मैं उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ।
बस ऐसे ही है बस। आपको हरीसा बनाना आता है? मैंने आपके लिए आज हरीसा बनाया हुआ है। पालक वाला नहीं, मैंने अपने मटन हरीसा जो कबाब वाला होता है, हाँ, वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो उसमें पालक भी तो डलती है ना? पालक तो नहीं, मैं जो इस रेसिपी से बनाती हूँ, जो एग्जैक्ट रेसिपी पालक, उसमें पालक नहीं डलती है। अच्छा। और जो मतलब जो गंदम और जो गोश्त का तनासुब ज्यादा होता है और बाकी गंदम और कबाब उसमें छोटे डलते हैं, तो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। आज आपको टेस्ट करवाऊंगी। इतनी आप लोग तकलीफ करते हैं, हमें इतनी इज्जत देते हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा पन है। चलें आप थोड़ा सा रेस्ट करें, मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आती हूँ, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और आपकी क्या मसरूफियात है? कुकिंग नहीं है तो? मेरी मसरूफियात बस घर के छोटे मोटे काम, बहू है ना, जो घर में काम कर लिया, कोई ला दी एक सब्जी, ला दी कुछ, ला दिया वैसे बस। कोई मुझे इतना रीडिंग का भी शौक नहीं है। आप भी इधर रहती हैं? जी। अच्छा, इधर ही इसी घर में रहती हैं? कितनी अच्छी बात है, माशाल्लाह।